ग्रेटर नोएडा में स्कूल जा रही 5 साल की एक मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास गांव के ही एक युवक द्वारा किया गया। बच्ची के परिजनों और गांव के लोगों के देखने पर वो बच्ची को छोड़कर भाग गया। गांव के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के सोराजपुर गांव का ये वाकया बताया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में स्कूल जा रही 5 साल की एक मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास गांव के ही एक युवक द्वारा किया गया। बच्ची के परिजनों और गांव के लोगों के देखने पर वो बच्ची को छोड़कर भाग गया। गांव के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के सोराजपुर गांव का ये वाकया बताया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में स्कूल जा रही 5 साल की एक मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास गांव के ही एक युवक द्वारा किया गया। बच्ची के परिजनों और गांव के लोगों के देखने पर वो बच्ची को छोड़कर भाग गया। गांव के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के सोराजपुर गांव का ये वाकया बताया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में स्कूल जा रही 5 साल की एक मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास गांव के ही एक युवक द्वारा किया गया। बच्ची के परिजनों और गांव के लोगों के देखने पर वो बच्ची को छोड़कर भाग गया। गांव के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के सोराजपुर गांव का ये वाकया बताया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।